नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल महर्षि अगस्त्य में स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, अगर आप दूर हैं या आपका कोई चाहने वाला विदेश में भी है, फिर भी आप कैसे कर सकते हैं वशीकरण। तो आज का टॉपिक, जैसा मैंने आपसे बताया, ये है एक घंटे में दूर रहकर या विदेश में भी तीव्र एवं अत्यंत प्रचंड वशीकरण, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें चाहिए। जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इससे आपका अगर खोया हुआ प्यार आपसे दूर है तो आप वश कर सकते हैं। अगर बॉस आपकी बात नहीं मानता है, आपकी नहीं सुनता है, प्रमोशन आपका अटका कर रखा है, तो उसमें यह कारगर साबित होगा। सास ससुर आपसे, आपके चाहने वाली लड़की से शादी के लिए मान नहीं रहे हैं या आप उनको खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो भी ये कारगर होगा। आपका कोई बड़ा बिजनेस क्लाइंट है और वो आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे टेक्निक से उसको वश में अपने कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कोई भी मामला है जिसमें आपको लगता है कि जज आपके फेवर में डिसीजन नहीं देगा, जजमेंट आपके अगेंस्ट होगा, आप उससे भी दूर रहकर इस विद्या से, इस पद्धति से उसे अपने वश में कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली जजमेंट पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत है। इसमें आपको 4 लौंग, 4 इलायची और 4 जावा कुसुम, या जिसे उड़हल का फूल कहते हैं, लाल रंग का फूल होता है, वो आपको लेना है। 1 मुट्ठी मिश्री आपको लेनी है, 1 छोटी शीशी आपको शहद की लेनी है और 4 लाल मोमबत्ती आपको चाहिए होगा। या तो आपके पास लाल मोमबत्ती ना हो तो 4 लाल रंग के रंगे हुए दिए से भी आपका काम चल सकता है, और थोड़ा सा मंदिर का, किसी भी मंदिर का पानी या आपके आसपास का किसी कुएं का पानी, जिसमें, जिस कुएं का कभी पूजा हुआ हो, तो आपको इन सामग्री के साथ आपको पूजा के लिए बैठना है, कंसंट्रेशन के लिए बैठना है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 4 लौंग, 4 इलायची, 4 जावा कुसुम और 1 मुट्ठी भर मिश्री को पीस कर उसका चूर्ण बना लेना है, पाउडर बनाना है। कटोरी में शहद के साथ और थोड़ा जल जो आप कुएं से लेकर आए हैं या पास के मंदिर से लेकर आए हैं, वो मिला दें। फिर लाल रंग के दिए या मोमबत्ती जो आपने रंगे हुए दिए हैं, वो उसको जलाना है और उन दियों की रोशनी के बीच में उस इंसान को उपस्थित देखना है, इमेजिन करना है कि वो, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, वो उन 4 दियों के बीच में है, खड़ा है आपके सामने। अब इस इंसान का नाम 108 बार बोलकर अपनी मंशा बोलनी है, या जो भी आपकी चाहत है, जो आप चाहते हैं वो बोलना है। जैसे मान लीजिए उस आदमी का नाम राम है और मुझे उससे बिजनेस का कोई काम करना है, तो मैं बोलूँगा, राम आप मेरे बिजनेस टेंडर पास करके मुझे देंगे या ये काम मुझे मिल जाएगा। या मान लीजिए दूसरा एग्जांपल कि आप किसी लड़की से चाहत रखते हैं, या उसका नाम मान लीजिए सीता है, तो आपको बोलना है, सीता आप सिर्फ मेरी हैं और सिर्फ मुझसे प्यार करेंगी, मुझसे शादी करेंगी। और फिर दूसरी बार, तीसरी बार, वैसे ही करते हुए 108 बार बोलना है। और फिर अंत में आपको जो कटोरी में रखे शहद, मिश्री और पानी का पूरा घोल, जो मिश्रण है वो बना हुआ है, उसको थोड़ा पीना है और इमेजिन करना है कि जिसको भी आपने मोमबत्ती में या दिए के बीच में आपने उपस्थित किया था, खड़ा देखा है, इमेजिन किया है, उसको भी वो जो मिश्रण है शहद और मिश्री का, उसको पीने के लिए कहना है, पिलाना है। ये दियो के बीच में उस मिश्रण को आपको फिर इमेजिन करना है कि वो पी रहे हैं, और उसे भी अपने हाथों से पिलाइए, और ऐसा आपको 4 बार करना है। ये जैसे ही आप कर पाएंगे, अगर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, तो वैसे ही वो इंसान अगले ही पल आपके वश में हो जाएगा। और ये बहुत ही सटीक और अचूक नुस्खा है। इसका मेरा ये अनुरोध है, आप इसको
मान लीजिए चेतावनी भी मान सकते हैं, इसको किसी गलत काम के लिए आप यूज़ नहीं कीजिए। इसको अगर आप गलत उद्देश्य से या किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अगर आप करेंगे तो ये तीव्र वशीकरण थोड़ा उल्टा असर भी कर सकता है या इसका कोई असर आपको दिखेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको करने से, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये हम लोग बात कर लेते हैं कि इस उपाय को कब करना है। इसका सबसे अच्छा असर अगर हम लोग बात करते हैं तो शुक्रवार को या तो अमावस्या की रात, अंधेरी रात अगर है तो उस वक्त आपको करना चाहिए। समय के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 12 बजे रात में आपको करना चाहिए ये। आपको आप मान लीजिए 11 बजे तक आपको बैठ जाना है ये कंसंट्रेशन करने के लिए, ये वशीकरण करने के लिए, और ये तकरीबन आपको 108 बार नाम लेने में जो एक घंटे का टाइम लगेगा, 11 बजे से मान लीजिए 12 बजे तक ये काम आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये आपका अचूक नुस्खा बिल्कुल कारगर होगा, ये सटीक होगा। तो ये आप उपाय कीजिए और मुझे भी फिर बताइए कि ये किसी पे भी किया जा सकता है। कोई भी आपसे दूर है, आपके दूसरे शहर में है, दूसरे देश में है, दूसरे जगह पे है, आपके पास नहीं हाजिर हो सकता है, आप उसके साथ ये कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करें। मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल महर्षि अगस्त्य को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप दूसरों से भी ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि आप इजीली कभी भी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।